गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. कल का आप लोगों को ब्रेक मिल गया. सभी को लग रहा था शायद काफी मुश्किल टॉपिक चल रहा है, टेक्सटाइल फाइबर्स. सो आई होप मैंने आप लोगों को असाइनमेंट्स दिए थे वो आप लोग कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने असाइनमेंट सबमिट करने की जो डेडलाइन है वो आप लोगों को मंडे दी हुई है. ठीक है, सो अभी हम फैब्रिक फिनिशेस की तरफ चलते हैं. आज हमारा ये टॉपिक है. अब तक हमने सारे फैब्रिक के बारे में ये पढ़ा कि फाइबर्स कौन कौन से हैं, एनिमल हैं, उसके अलावा हमने आपके वेजिटेबल फाइबर्स हुए हैं, अगर हम नेचुरल की बात कर रहे हैं उसमें मिनरल थे, और मैनमेड में हमने जैसे रेयन के बारे में पढ़ा जो कि रीजनरेटेड हैं, और उसके अलावा जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, और साथ ही साथ लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकी प्रॉपर्टीज की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो फाइबर में अपनी बेसिक नेचुरल होती है, और वो प्रॉपर्टीज कई बार क्या होता है कि वो गारमेंट अगर आपको पहनने के लिए यूज करना है तो वो प्रॉपर्टीज आपको थोड़ी सी उसमें चेंज करनी हो, आप चाहते हो कि वो प्रॉपर्टी कुछ और आ जाए. जैसे कॉटन है, कॉटन की बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो गर्माहट देने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी कॉटन से विंटरवेयर गारमेंट्स बनते हैं. वो कैसे बनते हैं? क्योंकि उसके अंदर फैब्रिक फिनिशेस दी जाती है. इसी तरह के अंदर कुछ फैब्रिक्स ऐसे हैं जो आपको केमिकल जहाँ यूज हो रहा है वहां पर यूज करने हैं, कुछ फायर से रिलेटेड जहाँ काम होता है आपको वहां यूज करने होते हैं, तो उसके अंदर फिर क्या होता है, आर्टिफिशियली फिनिशेस की दी जाती है जो जिससे कि जो फाइबर है उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है. तो आज हम फैब्रिक फिनिशेस के बारे में ही पढ़ रहे हैं. आज का जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, पहली चीज तो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक फिनिशेस. फैब्रिक फिनिशेस क्या होती हैं उसके बारे में परिचय है. चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उससे पहले मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगी आप कॉपी और पेन अपने साथ में जरूर लेकर बैठें, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा है आपको बीच बीच में नोट डाउन करना पड़ेगा. जो भी मैं कुछ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो समझा रही हूँ, वो सारा कुछ स्लाइड्स में नहीं लिखा होता है, है ना. तो बीच बीच में जब हम उसको डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बताते हैं तो आप उसके रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो आप लिखते जाइए, है ना. इंट्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक फिनिशेस का परिचय बताएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस, फिनिशेस कैसे अप्लाई की जाती है उसके बारे में बताएंगे. फिनिशेस देने का एम्स क्या है, क्यों दी जाती है ये फैब्रिक के अंदर, क्यों आप फैब्रिक में फिनिशेस देते हो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टू द फिनिश, फिनिश जो आप दे रहे हो उस पर कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं उसको, उसके अलावा प्रोसेस ऑफ फिनिशेस क्या क्या है. फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिनिशेस, और उसके बाद में ड्यूरेबिलिटी ऑफ फिनिशेस. टाइप्स ऑफ जो फिनिशेस है उसका हम सारा सेक्शन आज के सेशन में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ये टाइप्स ऑफ फिनिशेस हमारा नेक्स्ट सेशन में भी कंटिन्यू रहेगा. देखिए प्रोसेस ऑफ फिनिशेस, प्रोसेस ऑफ फिनिशेस ये एक्चुअली दो तरीके की प्रोसेस है, एक तो मैकेनिकल और दूसरी आई थिंक कुछ चेंज हुआ है. इंट्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक फिनिशेस, टेक्सटाइल फिनिशेस रेफर टू अ फिनिशिंग ट्रीटमेंट टू अ फाइबर यार्न और अ फैब्रिक इधर बिफोर और आफ्टर फैब्रिकेशन टू इम्प्रूव इट्स फिजिकल अपीयरेंस, फंक्शनैलिटी, हैंड ड्रेप एंड इजी केयर फीचर्स. जो टेक्सटाइल फिनिशेस हैं ये गारमेंट में आपको जो दी जाती है, देखिए जब आपका जो फैब्रिक लूम पे से करघे पे से बुनकर आता है तो बेसिकली वो आपका ग्रे गुड्स कहलाता है, जिसका जो एक्चुअल कलर है जो ऑफ वाइट जैसा मटमैला कलर होता है जो कि पहनने के काबिल नहीं रहता है. उसके अलावा उसमें क्या होता है, जैसे लूम पे बुनते समय उसमें ऑयल का कुछ धब्बा लग गया, कुछ डस्ट वगैरह लग गई है, तो उसमें उसको फिर आपको फिनिशिंग देनी ही होगी. उस फिनिशिंग से क्या है, या तो वो यान पर भी दी जाती है, मतलब लूम पर जो आपने बुना, लूम पर बुनने से पहले यान वाली जब सिचुएशन है तो यान पे फैब्रिक फिनिशिंग, यान की फिनिशिंग दी जाती है, और या फिर क्या होता है जब फैब्रिक आपका बन जाता है उसके बाद में फिनिशेस दी जाती है, और कुछ फिनिशेस ऐसी होती है जो आपका पूरा गारमेंट बनने के बाद में भी दी जाती है, जैसे कि डेनिम के ऊपर आप जो हम कहेंगे स्टोन वॉश हो गया, मंकी वॉश हो गया, ये वाले जो फिनिशेस है. इसके अलावा आप कई बार गारमेंट पूरा बनने के बाद में उसको ब्लीच करवा देते हैं, तो कुछ फिनिशेस है जो गारमेंट कंप्लीट बन जाता है उसके बाद दी जाती है. और फिनिशेस क्या करती है, गारमेंट की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो जो जैसे दिखाई दे रहा है वो जैसा आपको लग, वो अपीयरेंस है उसमें चेंज कर देता है,
उसके अलावा जो फंक्शनैलिटी है, किस काम के लिए आपको यूज करना है उसको, उसकी क्रियात्मकशीलता बढ़ जाती है उसको, आप टेक्सचर है, हैंड है, छूकर किस तरीके से आप देखोगे, उसकी सतह है वो चेंज हो जाती है, उसका ड्रेप है, फॉल किस तरीके का गिरेगा उसमें उसमें परिवर्तन आ जाता है, जो कि उसके बेसिक जो फाइबर था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो नहीं होती है, लेकिन फिनिशेस देने के बाद में वो चेंज हो जाती है। और उसके अलावा क्या है, इजी केयर फीचर्स आ जाते हैं उसके अंदर, कि आप कई बार आवाज का जो बिजी लाइफ है, सभी लोग मैक्सिमम वर्किंग होते हैं, अगर हम आज से 50 सालों के पहले की बात और अभी की करें तो उनको हैंडल और केयर करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे मौत प्रूफ बना दिया, उसके अंदर कीड़े नहीं लगेंगे, फफूंदी नहीं लगेगी, उसको क्रीज रेसिस्टेंस अगर उसमें डेवलप कर दिया, जैसे कॉटन में नहीं होता है, लेकिन कॉटन में फैब्रिक फिनिशेस देने के बाद में क्रीज रेसिस्टेंस डेवलप कर दिया, तो आप जब पहनोगे, यूज करोगे, बॉडी मूवमेंट होगा, बैठोगे, तो उसमें सलवटे नहीं पड़ेगी और उसको तुरंत आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मैंने किसी गार्मेंट को मॉर्निंग में पहना है और वो ऑफिस में गई हूँ, एक घंटे बाद ही उसमें इतनी ज्यादा क्रीज हो गई है। इसके अलावा क्या उसके अंदर और है, जैसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं कुछ, तो वो चीजें हो जाती है, वो क्वालिटी डेवलप हो जाती है। और कुछ इजी केयर फीचर्स में क्या डेवलप हो जाता है, जैसे वो उसकी सरफेस ऐसी बना दी जाती है जो डस्ट है वो इजीली अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो आपको उसको धोना आसान हो जाता है। ठीक है, कुछ गारमेंट्स इस तरीके से होते हैं जिन्हें आयरन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उनको केवल वॉश किया और बिना आयरन के आप उनको वेयर कर सकते हैं, उसमें कहीं किसी धोने के बाद भी उसमें कहीं किसी तरीके का कोई रिंकल नहीं पड़ता है। तो इस वजह से फैब्रिक फिनिशेस गारमेंट में दी जाती है। In textile manufacturing, finishing refers to the process that convert the woven or knitted cloth into a usable material, and more specifically to any process performed after dyeing the yarn or fabric to improve the look, performance, or hand of the finished textile or clothing. अब यह है कि fabric finishes जो दी जा रही है उसके aims क्या हैं? दी की पहली बात तो जैसे मैंने अभी आपको बताया introduction के समय कि अपीयरेंस को चेंज हो जाए उसकी, उसका जो फील है वो आप चेंज हो जाए, वो आकर्षक दिखने लगे मटेरियल, जैसे कॉटन है वो उसमें डलनेस होती है, बहुत शाइनिंग नहीं होती है, तो उस तरीके का भी उसमें हल्की सी सरफेस के अंदर चमक आ जाए, और किसी जैसे पॉलिश जो आपका मैनमेड फाइबर है उसमें बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है, तो उनकी लस्टर को कम किया जाता है ताकि आंखों को देख के वो चकाचौंध सा ना लगे, वो अट्रैक्टिव लगे आपको। उसके अलावा इम्प्रूव सुटेबिलिटी एंड यूटिलिटी, जिस काम के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, कि रेनकोट्स वगैरह अगर आपको पहनने हैं कि पानी अंदर की तरफ ना जाए आपकी बॉडी के ऊपर, आपके गारमेंट्स के ऊपर, तो उसको कैसे उसमें फैब्रिक फिनिशेस दी जाएगी ताकि वो आप उसको रेनी सीजन में पहन सको। जैसे जो लोग कंटिन्यू धूप में काम करते हैं गर्मी के अंदर और उनमें जो फैब्रिक पहने, एक तो उनका कलर ब्लीड नहीं हो, कलर प्रूफ रहे, उस सब चीजों के लिए फैब्रिक फिनिशेस दी जाती है। ड्यूरेबिलिटी, मजबूत रहे, कुछ रेशे अपनी प्राकृतिक अवस्था में बड़े कमजोर होते हैं और उनसे जब गारमेंट बनेगा, क्योंकि देखिए कटिंग में भी प्रॉपर वही मनी इन्वेस्ट हुई है, कपड़े की फिनिशिंग में भी वही आप खरीदोगे मार्केट से, और जब स्टिचिंग करवा के गारमेंट को आप जब पहनोगे तो उसके बाद में वो ड्यूरेबल ही नहीं है, तो आप पैसा वेस्ट चला जाता है, तो वो ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। और उसकी वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल जाती है, क्योंकि अगर आपको एक ही जैसा, जैसे आपको लूम पर से ग्रे फैब्रिक मिला, ठीक है, अगर आपको वैसा ही सभी लोग देखने को मिलेंगे चारों तरफ, तो मोनोटोनस हो जाएगा, वैरायटी ही नहीं रहेगी। जैसे कुछ फैब्रिक क्या किए जाएंगे, एम्बोस पैटर्न डेवलप कर दिए जाते हैं, उभरे हुए डिजाइन हैं तो देख के अच्छा लगता है, कुछ में प्रिंटिंग के थ्रू वैरायटी दी जाती है, कुछ में वीविंग के थ्रू, जैसे जैकार्ड वीव हो गया आपका, तो डॉबी वीव हो गया, स्लब यार्न वगैरह हो गए, तो इस अकॉर्डिंग यान के अंदर ट्विस्ट देके चेंजेस कर दिए जाते हैं ताकि देखने वाले को क्या लगेगा, आपको वैरायटी, कस्टमर को भी वैरायटी मिलेगी और दूसरा जो दूसरे लोग देख रहे हैं उनको भी वैरायटी मिलेगी, मोनोटोनस नहीं होगा। टू इंक्रीज स्टिफनेस एंड वेट, कुछ फैब्रिक जो है, कुछ फाइबर्स अपनी नेचुरल स्थिति में बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, तो उनका थोड़ा सा वेट बढ़ाने के लिए, कुछ की स्टिफनेस बढ़ाने के लिए ताकि थोड़े से तो खड़े रहें, और कुछ ऐसा है कि टू प्रोड्यूस इमिटेशंस, कई जैसे फैब्रिक, अगर आपको मैं बताऊं, रेयन जो फैब्रिक शुरू में फाइबर रेशा बना था, उससे जो फैब्रिक बनाया गया, तो उसमें ये था कि वो आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से यूज किया जाता था, आर्टिफिशियल सिल्क, तो उसमें क्या है, एक्चुअली वो सिल्क नहीं है, लेकिन वो फिनिशेस देने के बाद में कैसा दिखाई दे रहा है, सिल्क जैसा दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से फैब्रिक की जो फिनिशेस है वो दी जाती है। अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टू द फिनिश, फिनिशिंग जब देते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं।
तो पहली चीज तो देखिए नेचर ऑफ फाइबर, फाइबर की अपनी बेसिक नेचर क्या है, कि जो केमिकल उसके लिए यूज किए जा रहे हैं, जो सॉल्वेंट्स यूज किया जा रहा है, जो प्रोसेस यूज किया जा रहा है, उसके प्रति वो रिएक्ट कैसे करेगा, ठीक है। तो एक नेचर, और दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी प्रकार के सॉल्वेंट ऐसे हैं जो कॉटन के लिए यूज नहीं किए जाएंगे, और किसी प्रकार के सॉल्वेंट इस तरीके से होंगे जो सिल्क के लिए यूज नहीं किए जाएंगे, कुछ सॉल्वेंट वो प्रोटीन फाइबर के लिए डिफरेंट होते हैं, तो कुछ आपके सेलुलोज फाइबर्स के लिए डिफरेंट होते हैं। और उसके अलावा है क्वालिटी ऑफ यार्न एंड टाइप ऑफ वीविंग, कि यार्न की अपनी क्वालिटी किस तरीके की है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, उस पर टाइप ऑफ वीविंग, उस पर ट्विस्ट कैसी दी हुई है, वो ब्लेंडेड यार्न है, सिंगल है, किस तरीके के यार्न है, वीविंग कौन सी दी हुई है उसके अंदर, क्योंकि कई वीव ऐसी होती है जो कलर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, तो आपको उस वीविंग से बने हुए फैब्रिक के ऊपर फिनिशिंग किस तरीके की देनी है, तो उसको आपको पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ फैब्रिक फिनिशेस। फैब्रिक फिनिशेस जो है उसको कपड़े पर आप अप्लाई किस तरीके से करते हो, इसमें देखिए तीन तरीके हैं जिससे कि फैब्रिक फिनिशेस अप्लाई होती है। पहला तो क्या है, वाटर बाथ फिनिशिंग। सिंपली इट वॉज यूज एज द मेन एप्लीकेशन मेथड फॉर ईयर्स एज वाटर इज अ गुड इन एक्सपेंसिव एंड रेडीली अवेलेबल सॉल्वेंट। ये जो वाटर पानी नहीं दी जाएगी, ये सालों से दी जा रही है। आप अगर जो सिंपल पुराना जो एक मेथड है डाइंग करने का, डाइंग क्या करते हो, जो नेचुरल डाइंग जो आप करते हो, एक पाउडर फॉर्म में कलर लाए, उसको आपने पानी में डाला, बॉईल किया और कपड़े को उसमें पानी में डिप कर दिया, ठीक है, विद आपने सोडा एश की हेल्प से, तो वो तो एक सबसे इजीली अवेलेबल है आपके पास में, और पानी के लिए आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं करना है, और उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे केमिकल्स जो पानी में इजिली डिजोल्व हो जाते हैं, उनके थ्रू ये वाली फैब्रिक फिनिशिंग की जाती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, आपका जो फैब्रिक है उसको पानी में डिप किया जाएगा पूरा। डिप करने के बाद में जब सारे रेशे पानी के साथ में उस केमिकल को सोख लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसके बाद में उसको वापस बाहर निकाला जाएगा, और बाहर निकलने जाने के बाद में जो एक्स्ट्रा केमिकल उसके अंदर रह गए होंगे उसको निचोड़ लिया जाएगा। फिर अगर बाई चांस लगता है कि नहीं ये पूरा प्रॉपर पेनिट्रेशन सारे रेशों में नहीं हुआ है, अगेन वापस पानी में डुबो के और फिर उसको ठीक किया जाता है। लेकिन ये वाटर बाथ फिनिशिंग में क्या है, एक तो ये टाइम बहुत ज्यादा लगता है इसमें और एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि ये आपको बार बार डिप करना, बार बार निकालना, फिर निचोड़ना, फिर डिप करना, तो ये थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग और एनर्जी टेकिंग है। नेक्स्ट आपका आप आते हैं फॉर्म फिनिशिंग। दिस मेथड यूटिलाइजेस फॉर्म इंस्टेड ऑफ लिक्विड टू अप्लाई द फिनिश। फॉर्म इज मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड लिक्विड एंड देयरफॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड इज यूज्ड एंड एब्जॉर्ब बाय द फैब्रिक। इसमें क्या होता है कि कपड़े को पानी में डिप ना करके फॉर्म्स होंगे, वो मिक्सचर ऑफ एयर और जो लिक्विड है, जो भी आपको केमिकल सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट्स में वो दोनों फॉर्म फिल रहेंगे और कपड़ा उनके बीच में से गुजरेगा और फैब्रिक के ऊपर फिनिशेस होते जाएंगे और कपड़ा सॉल्वेंट है उसको एब्जॉर्ब सोखता चला जाएगा। लेकिन इस फिनिशिंग में क्या होता है कि पूरे कपड़े के अंदर ना यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती है, कई बार एक जैसा नहीं हो पाता है, हल्का भारी कई बार हो जाएगा, एक जगह फिनिशिंग अच्छी हो गई, दूसरी जगह में वो पूरी तरीके से पेनिट्रेट नहीं हो पाई, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरा आपका है सॉल्वेंट फिनिशिंग। सॉल्वेंट फिनिशिंग, इन दिस फिनिशिंग केमिकल इज मिक्स्ड इन अ सॉल्वेंट। इस फिनिशिंग में क्या होता है, जो केमिकल सॉल्वेंट में केमिकल मिक्स किया जाता है और उसके बाद ये फिनिशिंग दी जाती है। ये फिनिशिंग अगर हम कहें तो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो इनहेल करने में हार्मफुल होते हैं, बट फिर भी मैक्सिमम सॉल्वेंट फिनिशिंग यूज की जाती है। सॉल्वेंट फिनिशिंग फिनिशिंग जो है वो दो तरीके से दी जाती है। एक तो द फिनिशिंग कैन बी अप्लाइड इन ओपन और रोप फॉर्म। देखिए फिनिशिंग दो तरीके से, किस तरीके से दी जाएगी, या तो जो कपड़ा आपका पूरा चौड़ाई में है, विड्थ में है, लाइक जैसे 36 इंच में आता है, आप जो देखते हो 42 इंच में आता है आपका, तो या तो क्या किया जाएगा, पूरे कपड़े को खोल के चौड़ाई में और उसके ऊपर ओपन फॉर्म में दी जाती है, या फिर की जाती है रोप फॉर्म में की दी जाती है, कि कपड़ा जैसे जो इकट्ठा है गोल ट्विस्ट किया हुआ और उसको आपने गोल को भिगोया और फिर निकाला, और जो आप अगर उसको मशीन के थ्रू दे रहे हो तो भी वो रोप फॉर्म में ही मशीन के ऊपर चढ़ता है। लेकिन इसमें क्या है, जितने भी आपके निटेड गारमेंट्स हैं वो निटेड गारमेंट में रोप फॉर्म बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हो,
क्योंकि जो इवन पेनेट्रेशन होगा रेशो के अंदर, जो भी आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हो केमिकल के थ्रू एब्जॉर्ब होने के लिए, वो पेनेट्रेशन इवन होगा। लेकिन अगर इसकी जगह अगर आप वोवन फैब्रिक की हम बात करें, तो वोवन फैब्रिक के अंदर अगर आप रोप फॉर्म में यूज करोगे तो वो इवन पेनेट्रेशन नहीं होता है। तो वोवन फैब्रिक के लिए मैक्सिमम जो दिया जाता है वो ओपन कपड़े को पूरा खोल कर चौड़ाई में ही फिनिशिंग यूज की जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो फिनिशिंग दी जाती है दो तरीके से, एक और है कि दो बल्क की बात की जा रही है। एक तो स्मॉल क्वांटिटी है कि जो आपके बैचेस में दी जाएगी, कि कम कम क्वांटिटी आपने ली और अकॉर्डिंगली जैसा भी आपको लगता है कि मान लीजिए आपको 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर इस तरीके के फैब्रिक पे दी जा सकती है। और दूसरी वाली जो है वो कंटिन्यूअस फिनिशिंग है, उसमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में यूज रहती है आपको, और बहुत ये बेसिकली मिल्स वगैरह में जो है, बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स जो है वहां पर ही कंटिन्यूअस प्रोसेस यूज किया जाता है, तो उस फॉर्म में दी जाती है। और जो डोमेस्टिक यूज किए जाते हैं, जैसे छोटे छोटे जो डायर यूज करेंगे, छोटे छोटे जो प्रिंटर यूज करेंगे, वो बैचेस वाले जो फिनिशिंग है वो ही देते हैं। अब ये इससे पहले एक स्लाइड थी, सॉरी वो शायद पीछे शिफ्ट हो गई मेरी। इसमें प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग जो थी, ये बेसिकली इसके प्रोसेस दो तरीके से हैं। एक तो मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग है और केमिकल प्रोसेस ऑफ। मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग में क्या है, जैसे जो मशीनरी है जितनी भी, वो मशीनों के थ्रू ये प्रोसेस यूज किया जाएगा फिनिशिंग में। यानी जो भी सॉल्वेंट वगैरह यूज किया जा रहा है उसमें सॉल्वेंट प्लस मशीनरी की हेल्प ली जाएगी। और दूसरा क्या है, केमिकल प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग, इसमें विद द हेल्प ऑफ केमिकल जो वो फिनिशिंग दी जाती है। अब टाइप्स ऑफ फिनिशेस, देखिए फिनिशेस को बेसिकली तीन तरीके की होती है। एक तो प्रिपरेटरी फिनिशेस, एस्थेटिक फिनिशेस और फंक्शनल फिनिशेस। प्रिपरेटरी फिनिशेस तो वो फिनिशेस हैं जो आपको आपके फैब्रिक में देनी ही देनी है, उसको दिए बिना आपका कपड़ा गारमेंट के रूप में पहनने के लायक नहीं हो सकता है। तो प्रिपरेटरी फिनिशेस में कौन कौन सी फिनिशेस आ जाएगी, जैसे कि आपका कुछ जैसे आपका मर्सराइजिंग हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका कैलेंडरिंग हो गया, उसके अलावा आपकी टेंटरिंग हो गई, ये जो मैं आगे आपको बताऊंगी, तो वो सारी प्रिपरेटरी फिनिशेस में आएगी। क्योंकि उसके उसको कंप्लीट किए बिना गारमेंट में ना तो प्रिंटिंग की जा सकती, क्योंकि गारमेंट कोई दूसरा कलर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे उसके रेशे। और दूसरी चीज, जो लूम पे से आपके पास ग्रे गुड्स आया है, जो कि लूम पे से फैब्रिक आता है उसे ग्रे गुड्स कहा जाता है, जो ग्रे गुड्स आपके पास में आया है वो हैवी गंदा, ऑयल के निशान लगे हुए हैं उसके ऊपर, डस्ट के लगे हुए हैं, तो सबसे पहले वो इम्प्योरिटीज आप दूर करेंगे रेशे की, उसके बाद ही आप उसको कलर कर सकते हैं, उसके बाद ही आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको अगर कोई कीड़ों से बचने की फिनिशेस देनी है, मोथ प्रूफ बनाना है, मिल्ड्यू प्रूफ बनाना है, तो वो आप उसके बाद ही दे पाएंगे। तो इसलिए प्रिपरेटरी फिनिशेस की कैटेगरी में आएंगी। कुछ क्या आएंगी, एस्थेटिक फिनिशेस। जो एस्थेटिक फिनिशेस में यह है कि वो कपड़े की जो क्या कहती है सुंदरता को बढ़ा देती है, कपड़ा देखने में बहुत अच्छा लगता है। लाइक आपका जैसे बर्नट आउट हो गया फैब्रिक, आपका हो गया एम्बोजिंग हो गया है ना, तो ये वाली फिनिशेस क्या है कि कपड़ा देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, उस पर कुछ नमूने उभार दिए जाएंगे, उस पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो गए, प्रिंट हो गए आपके जितना भी है। आपके एस्थेटिक फिनिशेस में आपका ये जो बाटिक एस्थेटिक फिनिश है आपकी, आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग्स वगैरह जितनी भी है वो इसी के अंदर, डाइंग एंड प्रिंटिंग की जब हम बात करें वो इसी में आएंगी। और उसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बताया नैपिंग है, कपड़े में रोए उठा दी, जैसे टॉवल है, टॉवल में क्या किया है नैपिंग कर दी गई है तो वो रोएदार बन गया है, तो वो एस्थेटिक फिनिशेस में ही आपका आएगा, क्योंकि वो किस लिए, उसको तो और सुंदर दिखे और अच्छा दिखे, इसलिए फिनिशेस दी गई है। तीसरी फिनिश क्या है, फंक्शनल फिनिशेस। फंक्शनल फिनिशेस उसको क्रियात्मक तौर पे बनाने के लिए, जैसे कि गर्मी में अगर आप यूज करें उसको तो वो आपका पसीना सोख सके, आपका जो हवा है एयर है वो कपड़े में से पास हो सके, दूसरी चीज जो इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो जाता है रेशों में वो प्रॉब्लम ना आए। इसी तरीके से कुछ रेशे जो आपके मैनमेड फाइबर से सिंथेटिक बनते हैं, उनमें नेचुरली सिंथेटिक फाइबर्स में ज्यादातर क्या होता है कि वो बॉडी पे ना चिपचिपे से लगते हैं, वो पसीने को सोखते नहीं है, तो वो फंक्शनल उनको बनाने के लिए ऐसी फिनिशेस दी जाती है, उनका लस्टर बहुत ज्यादा होता है, तो फिर वो चीजें उसको वो देखने में चुभती हैं, तो और गर्मी वगैरह के अंदर अनकंफर्टेबल लगती हैं, तो इस तरीके की फिनिशेस दी जाती हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं प्रिपरेटरी फिनिशेस में कौन कौन सी आएंगी।
आप प्लीज नोट डाउन करते चले जाइए. सबसे पहले उसमें आएगी स्लैशिंग, जिसे इसे साइसिंग भी कहते हैं, डिसाइसिंग, सिंजिंग, बायोपॉलिशिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग, टेंटरिंग एंड ड्राइंग, कैलेंडरिंग, कार्बोनाइजिंग, डिकेटाइजिंग, डीलस्टरिंग. ये जितनी भी फिनिशेस है ये आपकी प्रिपरेटरी फिनिशेस हैं जो कि गारमेंट के अंदर दी ही जानी है. सबसे पहले फर्स्ट फिनिशेस जो है प्रिपरेटरी में हम पढ़ रहे हैं स्लैशिंग, डिसाइजिंग. Sizing is a process of applying the size material on yarn, a generic term for compounds that are applied to warp yarn to bind the fiber together and stiffen the yarn to provide abrasion resistance during weaving. Sizing जो दी जाती है ये क्या दी जाती है, कपड़ा बुनने से पहले दी जा रही है. ये yarn पर रेशे पे दी जाएगी और ये वाप यान पे दी जाएगी ज्यादातर. आप अगर हम देखते हैं कपड़ा बुनने में गरघे पे दो तरीके के यान यूज होते हैं, एक तो वाप और एक वेफ्ट. वेफ्ट फिलर यान है और वाप जो है वो आपका लेंथ वाइज चलता है. सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट यान है वो वाप है और उसी को बुनाई के समय सबसे ज्यादा तनाव सहना पड़ता है. झटके जितने भी सहने पड़ते हैं वो सबसे ज्यादा वाप यान को ही सहने पड़ते हैं. तो इसमें क्या होता है, वाप यान को मजबूत बनाने की दृष्टि से ये दी जाती है ताकि वीविंग के दौरान जितना भी घर्षण होगा, जितना भी रेजिस्टेंस होगा वो उसको सहने के योग्य बन जाएंगे. और इसमें थोड़ा सा यान को स्टिफ बना दिया जाता है ताकि उस एब्रेशन रेजिस्टेंस इसके अंदर डेवलप हो जाए. ये क्यों दिया जाता है स्लैशिंग एंड साइजिंग, टू प्रोटेक्ट द यान फ्रॉम एब्रेशन. जो घर्षण उत्पन्न होगा, एब्रेशन होगा, उससे बचाने के लिए. टू इम्प्रूव द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द यान. जब आप कपड़ा बुन रहे हो, लूम पे कपड़ा चढ़ा हुआ है, उस समय यान अगर टूट जाएंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है. तो वो क्या है, वो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है उसको इम्प्रूव कर देता है. टू इंक्रीज स्मूथनेस ऑफ द यान, यान जो है वो स्मूथ हो जाएगा, चिकना हो जाएगा. यान के अंदर थोड़ी सी इलास्टिसिटी जो उसके अंदर नहीं है नेचुरल उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, तो वो उसमें डेवलप हो जाएगी. उसमें हेयरनेस की जो प्रॉब्लम है वो डिक्रीज करने के लिए, और उसके अलावा जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कई बार आप सर्दी में देखते रहते हो कि कपड़ा पहना है वो एकदम से आपको करंट सा महसूस होने लगता है, तो वो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर उत्पन्न हो गई है उसको कम करने के लिए ये दी जाती है. Different type of water soluble polymers called textile sizing agent. Chemicals such as modified starch, polyvinylene alcohol, PVA, carboxymethyl cellulose, CMC and acrylates are used to protect the yarn. इसके लिए ये अलग अलग आपको chemical agents हैं, ये यान को मजबूत बनाने के लिए, रेसिस्टेंस उसमें डेवलप करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं. इसके अलावा ऑल्सो वैक्स इज एडेड टू रिड्यूस द एब्रेसिवनेस ऑफ द वाप यान. वैक्स भी यूज किया जाता है. द टाइप ऑफ यान मटेरियल, द थिकनेस ऑफ द यान एंड द टाइप ऑफ वीविंग मशीनरी विल डिटरमाइन द साइजिंग रेसिपी. साइजिंग रेसिपी, साइजिंग के लिए हम क्या प्रयोग करने वाले हैं वो डिपेंड करता है कि यान किस तरीके का है और वीविंग मशीनरी किस टाइप तरीके की है. तो आप उसमें अगर जो यान की नेचर है उस सेलुलोज है, प्रोटीन है, मैनमेड है, किस तरीके का है उस पर डिपेंड करेगी. साइजिंग जो है वो बाय हैंड भी दी जा सकती है. नॉर्मल जो कपड़े जो यान है उसकी लच्छियां हैं उसको आप डुबो के बाय हैंड भी दे सकते हो, और उसके अलावा साइजिंग मशीन के थ्रू भी दी जा सकती है. ये देखो मैंने आपको इसमें एक मशीन के थ्रू एक पिक्चर से समझाया है कि इस तरीके के ये बारीक बारीक रेशे हैं. ये रेशे ये देखिए, ये रेशे ही आगे जा रहे हैं रोलर्स. इसमें कंटी ज्यादातर ये जितनी भी फिनिशेस है उसमें रोलर्स यूज किया जाता है. इससे क्या है, कपड़े का टेंशन बिल्कुल एक जैसा होता है, सरफेस एक जैसी आ जाती है रोलर के बीच में से जाने पर. तो ये आगे उसमें देखिए इस तरीके से यान जा रहे हैं, और ये यहाँ पर ये सॉल्यूशन है इस जगह पे इन रोलर्स के बीच में, ये रेशो के ऊपर गिरता जाएगा. ठीक है, जितने भी यान है इनके ऊपर गिरता जा रहा है. उसके बाद में यहाँ पर हीट है, वाष्प है, उसके थ्रू इसके ऊपर ये केमिकल है ये अप्लाई हो रहे हैं, और साथ ही साथ ये आगे जाके सूखता भी जा रहा है ताकि, क्योंकि इसको वापस दूसरे रोलर पे लपेटना भी है. रेडी होने के बाद में उसको बहुत देर तक मशीन पे, जब रोलर्स के ऊपर ये प्रक्रिया की जाती है
तो उसको सुखाने के लिए धूप में या कहीं पर छोड़ा नहीं जाता है, वो ड्राइंग की प्रोसेस भी साथ के साथ ही हो रही होती है। तो यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट जब आगे इस लिक्विड से होकर गुजरा और ये ड्राई होता हुआ इस दूसरे यहाँ पर रोलर में आ गया है और वापस ये लपेट लिया गया और यहाँ पर ये अनलोडिंग के लिए रेडी हो चुका है। ये रोलर है, ये इस साइड में जो आपको दिख रहा है, इससे पूरा कंप्लीट यान जब आ जाएंगे इसके ऊपर तो इस रोलर को हटा देंगे और ये इसको अनलोडिंग कर देंगे और फिर जो दूसरा बाकी आगे यान पर ये साइजिंग की जाने वाली है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम डिसाइजिंग। देखिए अभी हमने साइजिंग तो हमने क्यों किया था, क्योंकि वाप यान जो हमारे थे उनको हमको मजबूत बनाना था, उनको एब्रेशन, देखिए और सारी चीजों को अगर हम साइड में रख भी दें तब भी एब्रेशन रेसिस्टेंस उसमें डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर वो डेवलप नहीं होंगे यान के अंदर तो आपकी वीविंग प्रोसेस है, बुनाई की प्रक्रिया है, वो कंप्लीट होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और फैब्रिक डिफेक्ट्स होते जाएंगे, बार बार टूटेगा तो बार बार आप उसको फिर से चढ़ा के जब आगे की वीविंग स्टार्ट करोगे तो फैब्रिक में डिफेक्ट्स होता जाएगा, इसलिए वो तो जरूरी है। लेकिन एक बार उस पर आपने कोटिंग कर दी, मान लीजिए वैक्स की कोटिंग हो गई, किसी केमिकल वगैरह की हो गई, लेकिन उसके बाद में आपको उस पर बाकी फिनिशेस तो देनी है ना, आपको उसको अलग अलग रंगों में डाई भी करना है, अलग अलग तरीके से आपको प्रिंट भी करना है, तो उसके ऊपर जो लेयर आ गई वो क्या करेगी, आप कलर एब्जॉर्ब करने को भी रोक देगी। ठीक है, कलर पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, जब वो कपड़ा पूरा बन जाएगा तो उसको डिसाइजिंग की जाएगी। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है, हालांकि जो साइजिंग की गई थी वो तो क्या किस गई थी, केवल वाप पर की गई थी, लेकिन कपड़ा बुनने के बाद में अब वाप और वेफ्ट दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, अब तो वो दोनों कंबाइंड हो चुके हैं, वीव जब बन गई कपड़ा बुनने के बाद में, तो अब वो वाप और वेफ्ट दोनों के ऊपर एक साथ ही दी जा रही, क्योंकि आपको कपड़े पे दी जा रही है। डिसाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द साइज मटीरियल फ्रॉम वाप यान आफ्टर टेक्सटाइल फैब्रिक इज वोवन। वाप यान्स आर कोटेड विद साइजिंग एजेंट्स प्रायर टू वीविंग इन ऑर्डर टू डिक्रीज यान ब्रेकेज on the loom and improve weaving productivity by increasing weft insertion speed. The sizing material present on the warp yarn can act as a resist towards dyes and chemical in textile wet processing. It must therefore be removed before any subsequent wet processing of the fabric. आप कोई भी wet processing use करने वाले हो, उससे पहले अब आपको इसको हटाना पड़ेगा, जो भी उसके ऊपर आपने केमिकल या फिर वैक्स की कोटिंग कर हो गई थी मजबूत बनाने के लिए, अब उनको हमें वापियान पर से हटाना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिमूव द स्टार्च मटेरियल फ्रॉम द फैब्रिक, फैब्रिक के ऊपर जो भी स्टार्च मटेरियल रह गया उसको हटाना, टू इंक्रीज द एब्जॉर्बेंसी पावर ऑफ द फैब्रिक, कपड़े की जो सोखने की क्षमता है उसको बढ़ाना, टू इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ द फैब्रिक टू द केमिकल्स, जितने भी केमिकल्स होते हैं उनके प्रति उनकी एफिनिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और उसके अलावा फैब्रिक जो कई आगे के प्रोसेस से गुजरना है, उसको कैलेंडर होना है, उसको टेंटरिंग होनी है, उसकी मर्सराइजिंग होनी है, उसको ब्लीचिंग होना है, तो जो आगे के प्रोसेस होने वाले हैं उनको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए उसको सूटेबल बनाना, और टू इंक्रीज द लस्टर ऑफ द फैब्रिक, कपड़े की चमक को बढ़ाने के लिए इंक्रीज ऑफ डाइंग एंड प्रिंटिंग, और डाइंग एंड प्रिंटिंग के समय जो चमक आने वाली है उसको बढ़ाने के लिए डिसाइजिंग की जाती है। इसमें ये मेथड है, बेसिकली दो है, हाइड्रोलिटिक मेथड है, इसमें रॉड स्टेपिंग, एल्कली स्टेपिंग, एसिड स्टेपिंग एंड एंजाइमेटिक स्टेपिंग यूज किया जाता है, ऑक्सीडेटिव मेथड, ब्रोमाइड डिसाइजिंग, क्लोराइड डिसाइजिंग, अमोनियम पर सल्फेट डिसाइजिंग, ये केमिकल्स के नेम है डिफरेंट डिफरेंट, ये इस तरीके से यूज किया जाता है। अब ये देखिए ये जो डिसाइजिंग है, ये अगेन मैंने आपको कैसे बल्क में यूज किया जाता है समझाने की कोशिश की है। कपड़ा आया, कपड़े को लोडिंग किया रोलर पे, इससे ये जो आपको ये ब्लैक वाला रोलर दिख रहा है और नीचे कॉपर वाला दिख रहा है, इससे पीछे की तरफ एक दूसरा रोलर और है जिसका मुझे एक्चुअली अवेलेबल नहीं हो पाया था पिक, उस पे कपड़ा लोड किया गया है। उस लोड के बाद में घूमता हुआ कपड़ा देखिए यहाँ आया, और आप अगर यहाँ देख पा रहे हो तो ये देखिए ये इस तरीके से ये ना लिक्विड सॉल्यूशन गिर रहा है इसके ऊपर, ताकि इसको डिसाइजिंग कर दिया जाए, ये जितने भी इसके ऊपर वैक्स वगैरह और जो केमिकल लग गए थे कपड़े के ऊपर तो डिसाइजिंग कर दिया जाए। ये सेम वही रोलर के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट ये चैम्बर बना हुआ है, ये जो ये दिख रहा है ये कपड़े की लेयर्स हैं, ये इस तरीके से, और ये नीचे जो इस कपड़े के नीचे की तरफ एक चैम्बर, एक बहुत बड़ा टब है जिसके अंदर ये कपड़ा सॉल्यूशन में से डूबता वापस आ रहा है, ताकि उसके ऊपर जिस किसी भी तरीके कोई स्टार्च और कोई मटेरियल लगा हुआ है वो सब अटता हुआ जा रहा है,
और ये देखिए इधर ये कपड़े की बार बार लेयर्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट रोलर्स में से नीचे की तरफ है जो घूमती हुई आगे बढ़ रही हैं। इसके बाद में ये यहां से आने के बाद में अगेन इधर से आया, ड्राई हुआ, सूखता हुआ बिल्कुल, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में बिल्कुल ड्राई होगा, उसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहेगी, और ये वापस रोलर्स के थ्रू आएगा और रोलर्स के थ्रू यहाँ पर आगे ये देखिए ये जो कंटेनर है उसमें ये कपड़ा गिरता चला जा रहा है। ये दोनों तरीके से हो सकता है, ये कंटेनर में जो गिरता है तो जैसा कि आप अपनी बोलचाल की भाषा में नॉर्मली देखते हो थान, इंडस्ट्री में अभी आप गए होंगे तो एक के ऊपर एक जो अराउंड उसकी फोल्डिंग की हुई होती है थान की, जो कि एल कहा जाता है, लेंथ 92 सेंटीमीटर या 1 मीटर के आसपास है, तो या तो ये उस तरीके से फोल्ड होता रहेगा है ना, और या फिर क्या रहेगा कि गोल रोलर के ऊपर जैसे कि यहाँ पर इससे पहले वाले स्लाइड्स में दिख रहा था ये इस तरीके का रोलर, तो उस पे ये फिनिशिंग के बाद भी एक नया रोलर ऐसा लगा होता है उसके ऊपर ये कपड़ा पूरा लपेट दिया जाता है और रोलर को आप हटा के और अब आपका कपड़ा है वो रेडी है कि आप उसको दूसरी जो फिनिशिंग प्रोसेस है लाइक आपकी डाइंग है, प्रिंटिंग है, कैलेंडरिंग है, टेंटरिंग है, जो भी आपको करनी है उसमें उसको हम यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरी है सिंजिंग, ऑल्सो कॉल्ड गेजिंग। Sizing is a process applied to both yarn and fabric to produce an even surface by burning of projecting fibers, yarn ends and fuzz. This is accomplished by passing the fiber or yarn over a gas flame or heated copper plates. ये क्या रहती है, जैसे आपका जो भी कपड़ा है उसके ऊपर मान लीजिए किसी तरीके की मतलब हल्के से रेशे उठे हुए हो, ये यान के ऊपर भी हो जाते हैं, यान को जो ट्विस्ट कर दिया तो छोटे छोटे स्प्लिट एंड्स उसके अगर ट्विस्ट के बाद भी निकले हुए हैं तो ये प्रोसेस है यान पे भी दी जाती है कि वो ट्विस्ट जो है आप इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। कई बार आप सब क्या यूज करते हो, सैटिन का कुछ यूज करते हो, सैटिन रिबन का, सैटिन रिबन के कभी जैसे रोजेस के फ्लावर बनाए या बेल्ट बनाई आपने और जब उसने आपने उसका एंड काटा तो एंड काटने के बाद आपने क्या किया उस पर छोटे छोटे रेशे निकल आते हैं, तो आप यूजली क्या करते हो कैंडल को जलाते हो और उसके पास हल्का सा लेके जाते हो और वो रेशे वापस क्या होते हैं अंदर की तरफ जाके लॉक हो जाते हैं या गैस बर्नर की तरफ आप लेके जाते हो। तो सेम वही प्रोसेस है कि कपड़े को नुकसान नहीं पहुंचता है, यान को नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा छोटे छोटे रेशे निकल गए हैं वो लॉक हो जाते हैं सॉरी, और वो आपके कपड़े के अंदर बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं और कपड़ा स्मूथ भी हो जाता है। तो ये फ्लेम के ऊपर, ये गैस फ्लेम हो सकती है और हीटेड कॉपर प्लेट्स हो सकती है, दोनों के बीच में से फैब्रिक को की सरफेस को लेकर जाया जाता है और इससे ये आपका जो कपड़ा है उस पे छोटे छोटे जो आपके रेशे निकले हुए हैं, छोटे छोटे जो आपके कुछ एंड्स निकले हुए हैं, यान के एंड्स हैं और फुज्जेदार से कुछ है या फिर छोटी छोटी सी कोई गांठें रह गई हैं तो वो है वो दूर हो जाती है। ये भी देखिए कपड़ा बनने के बाद आया तो इस तरीके से आएगा, तो उसको लोड किया है वो दिखाया है यहाँ पे, लोड के बाद में ये सेम यहाँ पे ये बिल्कुल फ्लैट नहीं था, इसकी चौड़ाई प्रॉपर नहीं थी, इसी तरीके से रखा हुआ है क्योंकि ये कहाँ से आया था अभी नेक्स्ट प्रोसेस में मैंने आपको बताया, इस तरीके से यहाँ से जब हमने उठाया उसके बाद में हम आगे चले, इस कपड़े को हमने यहाँ पे रखा, फिर से ये रोलर्स के ऊपर जाएगा, ये रोलर्स पे सीधा हो गया है इस जगह पे, सीधा होने के बाद में ये नीचे की तरफ जा रहा है, अब यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है फ्लेम है, ये कॉपर के रोलर्स हैं, ये गैस के थ्रू फ्लेम दी जा रही है, ये कपड़े में से आपको यहाँ इधर से दिख रही है क्योंकि कपड़े में से झलक के इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है लेकिन ये कपड़े को बिल्कुल टच नहीं कर रही है और ये इस तरीके से फ्लेम से इसकी सतह के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स थी जैसे कि कुछ हल्के हल्के पिलिंग की प्रॉब्लम है या फिर मान लीजिए छोटे छोटे एंड्स रह गए होंगे वो इसमें हीट से ठीक हो जाते हैं, पर फर्स्ट तो यहाँ पे दिया गया है, फिर यही कपड़ा घूमकर आगे की तरफ जाएगा और सेकंड भी अगेन इस पे लाइट फ्लेम दी जा रही है यहाँ पर, इस ये थोड़ा सा हाई है फ्लेम इस जगह पे फर्स्ट, उसके बाद इसी कपड़े पे आगे लाइट फ्लेम दी गई है और इसके बाद में ये कपड़ा जो है कंप्लीट होके रोलर्स के ऊपर लपेट कर के रेडी हो गया है। आगे बढ़ते हैं बायो पॉलिशिंग। देखिए कुछ एक काम हमने आपको पिक्चर्स के थ्रू इसलिए किया एक्सप्लेन क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस में हम आपसे जब आगे बताएंगे
तो रोलर का वो सेम ही प्रोसेस है कि रोलर पे पहले आपको पे कपड़े को लोड किया है, फिर वो सीधा होता हुआ रोलर्स में से आगे बढ़ रहा है, फिर उसके बाद में उस पर कोई केमिकल का सोल्यूशन या फिर आपको कोई गैस फ्लेम वगैरह दी जानी है वो देकर आए, उसके बाद वो नॉर्मल टेम्परेचर में आए, क्योंकि वो जो बहुत हाई टेम्परेचर में था उसको जब आप कोई ना कोई ह्यूमन बींग को ही हैंडल करना पड़ेगा अनलोडिंग के समय, तो उसका टेम्परेचर जो आपका रूम नॉर्मल टेम्परेचर है उसके जैसा होना चाहिए, तो उस टेम्परेचर पे आने के बाद में उसको रखा जाएगा। तो इसलिए मैंने कुछ मशीनों का आपके पिक्चर से समझाया है कि देखिए इस तरीके के रोलर्स हैं जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं। अब ये है बायोपॉलिशिंग। बायोपॉलिशिंग इज अ फिनिशिंग प्रोसेस दैट एनहांस फैब्रिक क्वालिटी बाय डिक्रीजिंग द पिलिंग टेंडेंसी एंड फिजीनेस, बेसिकली सेलुलोज एंड निटेड फैब्रिक्स की बात हो रही है। द फिनिशिंग प्रोसेस अप्लाइड टू सेलुलोज टेक्सटाइल दैट प्रोड्यूसेस परमानेंट इफेक्ट बाय द यूज ऑफ एंजाइम्स। देखिए ये फिनिशेस जो है ये इससे बायोपॉलिशिंग से क्या होता है कि बेसिकली एक तो वुलन फैब्रिक्स के ऊपर और कॉटन के ऊपर दी जाती है ताकि उसमें पिलिंग की प्रॉब्लम ना हो। पिलिंग की प्रॉब्लम कब आ जाती है, आप देखेंगे जब कपड़े के या तो जो घर्षण होगा एब्रेशन होगा तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। आप कई बार देखते होंगे आपके गारमेंट्स में कहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, बाइसेफ और अंडर आर्म के नीचे का जो बार बार हिस्सा टकराता है, ठीक है, हाथ के अंदर, तो वहां आप देखेंगे अंडर आर्म्स के नीचे छोटे 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 गोल 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 से बबल से आने लग जाते हैं, कुछ रोए से उठ जाते हैं, है ना। तो कई बार आप देखेंगे थाइस के बीच में भी आप जब चलते हो तो टकराता है कपड़ा दोनों उस जगह से, तो वहां छोटे 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 इस तरीके की प्रॉब्लम कपड़े की सरफेस पे आ जाती है। तो वो जो दिक्कत है वो इस पॉलिशिंग से नहीं आएगी। और सेलुलोज टेक्सटाइल दैट प्रोड्यूस परमानेंट इफेक्ट्स बाय द यूज ऑफ एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स के यूज से जितने भी सेलुलोज फाइबर्स हैं उसके ऊपर ये परमानेंट फिनिश दी जाती है। ऑब्जेक्ट ऑफ बायोपॉलिशिंग, बायोपॉलिशिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, टू रिमूव protruding fibers and slubs से related problems आ गई, कुछ कुछ गांठे वगैरह हो गई हैं उसको दूर करना, उसका फ्लफी है कपड़ा कहीं आपका कपड़ा कहीं से जो pills की problem है वो दूर करने के लिए, to achievement of surface smoothness and a clear structural appearance and improved luster, उसकी चमक के लिए उसका जो कपड़े की सरफेस है उसको स्मूथ बनाने के लिए, to improve material texture relaxation increasable flexibility उसमें develop करने के लिए, और कपड़ा सिलने लायक बन जाए, टू इम्प्रूव स्वेबिलिटी एंड फास्ट टू वॉशिंग, धोने के लिए भी फास्ट रहे, ऐसा नहीं हो कि एक बार धोया और उसके बाद भी जैसे ब्रश से रगड़ा कुछ किया और ये प्रॉब्लम हो गई कपड़ा खराब हो गया, ताकि उसमें लो पिलिंग टेंडेंसी रहे और जब आप उसको यूज करें तो नैपिंग ना हो, उस पर रोए ना उठ जाए आपके कपड़े में, और उसको ताकि आपका जो केयर है हैंडल वॉश केयर जो आपको ध्यान रखना है उसके लिए आप इसको अच्छे से कपड़े को हैंडल कर पाए। Process of biopolishing, there are two process biopolishing, dyeing before by biopolishing, dyeing से पहले biopolishing भी दी जा सकती है, और जो dyeing biopolishing before dyeing दोनों तरीके से दी जा सकती है, biopolishing dyeing followed by biopolishing, biopolishing dyeing के साथ और before dyeing दोनों तरीके से दी जाती है। देखिए जो मैं अभी बात कर रही थी ये प्रॉब्लम थी जो आप देखें ज्यादातर वुलन्स में आ जाती है, इस तरीके से उठ जाता है, कपड़ा पहनने के लिए लायक नहीं रहता है बिल्कुल भी, और ये देखिए तो ये जो प्रॉब्लम है इस फिनिशिंग के बाद में नहीं आएंगी। आज के सेशन में हम पढ़ रहे हैं जो कि जरूरी फिनिशेस है, देनी देनी है वो कपड़े के अंदर, है ना, तो हम केवल प्रिपरेटरी फिनिशेस के बारे में आज बात कर रहे हैं। आगे पढ़िए, स्कॉरिंग इज ए केमिकल वॉशिंग प्रोसेस कैरीड आउट ऑन कॉटन फैब्रिक टू रिमूव नेचुरल वैक्स एंड नॉन फाइबरस इम्प्योरिटीज लाइक सीड्स फ्रेगमेंट जो भी कुछ होंगे, कॉटन के ऊपर ज्यादातर दी जाती है ये, उसमें नेचुरल वैक्स जो है उसको हटाने के लिए, एंड एनी एडेड सॉइलिंग और डर्ट, कोई गंदगी हो कुछ मिट्टी के कण रह गए हो तो ये इस तरीके से यूज की जाती है। स्कॉरिंग इज यूजली कैरिड आउट इन आयरन वेसल्स कॉल्ड केयर्स, जो आयरन वेसल्स जिसके द्वारा स्कॉरिंग दी जाती है उसे केयर्स कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कॉरिंग क्या क्या है, टू रिमूव नेचुरल एज वेल एज एडेड इम्प्योरिटीज, एसेंशियली हाइड्रोफोबिक कैरेक्टरिस्टिक्स कम्प्लीटली एज पॉसिबल, कपड़े को इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हाइड्रोफोबिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कपड़े की उसको अगर जितना अगर चाहिए गारमेंट के अंदर वो डेवलप करने के लिए, टू सॉरी डेवलप नहीं करने के लिए, अदरवाइज कपड़ा आपका जो टेम्परेचर है आपका वो बढ़ जाएगा क्योंकि पसीना है वो आपका बाहर नहीं निकल पाएगा, पानी जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो कपड़ा आपके लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगा स्किन के लिए, तो वो कई प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज एब्जॉर्बेंसी ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल, कपड़ा पानी सोख पाए उसको बढ़ाने के लिए,
to leave the fabric in a highly hydrophilic condition without undergoing chemical or physical damage significantly. कपड़े को hydrophilic condition में रहे, जल उसके अंदर से आर पार हो सके, तो ये इसके लिए ये finishes दी जाती है. क्योंकि अगर wax की coating रहेगी तो एक सतह से दूसरी सतह पे पानी जाना मुश्किल होता है. तो ये अगर आप ये process नहीं करोगे तो ये hydrophobic हो जाएगा fabric. आगे उसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग. नेचुरल फाइबर्स कॉटन वूल लिनन आर ऑफ वाइट इन कलर ड्यू टू कलर बॉडीज प्रेजेंट इन द फाइबर. द डिग्री ऑफ ऑफ वाइट वेरीज फ्रॉम बैच टू बैच. ब्लीचिंग देयरफॉर कैन बी डिफाइंड एज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज कलर बॉडीज. White is also an important market color so that the whitest white has commercial value. देखिए जो natural fibers हैं आपके cotton है, linen है, wool है, ये basically off white color के होते हैं. अब अगर मान लीजिए आपको, और दूसरी बात, बैच टू बैच ये व्हाइटनेस भी वेरी करती है कि अब आप मान लीजिए फर्स्ट बैच का जो कपड़ा आया है उसमें व्हाइटनेस थोड़ी सी ज्यादा है, सॉरी ऑफ व्हाइट थोड़ा सा ज्यादा है. सेकंड बैच का जो कपड़ा आया है वो ऑफ व्हाइट ना होगा, वो थोड़ा सा व्हाइट की तरफ आगे बढ़ रहा है. तब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर उनको एक साथ व्हाइट डाई कर दिया गया तो कलर में वेरिएशन आ जाएगा, कलर में डिफरेंस आ जाएगा. तो उनको सबसे पहले क्या किया जाएगा, सब सारे जो कपड़ा है उनको एक ही ब्लीच करके एक जैसा व्हाइट ही बनाया जाएगा. और व्हाइट येलो इज अ कंपोनेंट ऑफ राइट शेड्स. फॉर एग्जांपल व्हेन येलो इज मिक्स्ड विद ब्लू द शेड टर्न्स ग्रीन. क्योंकि ये जो येलोइश है वो कलर के अंदर जब मिक्स होगा तो उसका शेड भी डिफरेंट हो जाता है, इसलिए ब्लीचिंग करना जरूरी है. A consistent white based fabric has real value when dyeing light to medium shades because it is much easier to reproduce shades matches on a consistent white background than on one that varies in amount of yellow. अगर background आपके पास में white है तो आपका color की consistency vary light to desirable shades आप easily लेकर जा सकते हो. जबकि अगर वो yellow ground रहेगा तो मुश्किल होगा कि exactly shades आप जो चाहते हो वो आपको pale होने की वजह से नहीं मिल पाएगा. Bleaching जो है क्यों दी जाती है, रिमूवल ऑफ कलर इम्प्योरिटीज जो भी है उसको हटाने के लिए, सीड्स कोट्स अगर रह गए उसको हटाने के लिए, मिनिमम टेंडरिंग ऑफ फाइबर्स के लिए, और उसके अलावा सिंपल मोड ऑफ ऑपरेशन है ये, और इसके अंदर बहुत कम केमिकल और एनर्जी कंजम्पशन होता है, और आप कपड़े की जो वाइटनेस है वो अपने अकॉर्डिंग इसमें बढ़ा सकते हो. इसमें दो तरीके के यूज किए जाते हैं, ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग एजेंट्स हैं और रिडक्टिव ब्लीचिंग एजेंट्स हैं. जो ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग एजेंट्स हैं और ये आपके जैसे ये दोनों डिफरेंस इसलिए दिए गए हैं कि कुछ आपके सेलुलोज फाइबर के लिए यूज किए जाएंगे, कुछ आपके प्रोटीन फाइबर्स के लिए यूज किए जाएंगे, जिसका हम डिस्कशन लेटर करेंगे. दूसरी बात है इसमें ग्रास ब्लीचिंग और ऑप्टिकल ब्लीचिंग. ये ग्रास ब्लीचिंग बहुत पुराने टाइम से देखते आ रहे हो. ये ब्लीचिंग का एक बहुत बड़ा प्लांट है. इस तरीके से ये बल्क में ब्लीचिंग होके और इस पर वही सेम रोलर्स के थ्रू निकल के आती है. ये नेक्स्ट में मैंने आपको बताया ग्रास ब्लीचिंग. ये बिल्कुल जो ट्रेडिशनली जो धोबी लोग कपड़े धोते हैं, जो वो व्हाइट कपड़ों को धोके क्या करते हैं, यूजुअली घास पे फैला देते हैं. और ये कॉटन और लिनन ये दो कपड़ों के लिए सबसे ज्यादा यूज में की जाती है और ये परंपरागत तरीका है ब्लीचिंग करने का. तो ये है जो ग्रास ब्लीचिंग है. दूसरी जो है ऑप्टिकल ब्लीचिंग, उसमें क्या होता है, इसमें जो आप जो क्या कहते हो नील वगैरह जो यूज करते हैं, आला जो यूज करते हो आप इस तरीके का सॉल्वेंट जो, तो वो उसमें क्या है कि कपड़ा एक्चुअली व्हाइट नहीं होता, वो नीले किरणों से परावर्तित होकर व्हाइट जैसा लगने लगता है. तो ये ऑप्टिकल ब्लीचिंग है, ये दी जाती है. आगे हम पढ़ते हैं मर्सराइजिंग. मर्सराइजेशन इज अ फिनिशिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉटन विद अ स्ट्रॉन्ग कास्टिक अल्कलाइन सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लस्टर, हार्ड एंड अदर प्रॉपर्टीज. वॉज नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवर्ड जॉन मर्सर एंड हैज बीन इन हिज यूज ऑफ फॉर सम टाइम. इट हैज बीन सीइंग एन इंक्रीज इन एप्लीकेशन रिसेंटली. ये कॉटन पे दी जाती है, कास्टिक सोडे से के सोल्यूशन से दी जाएगी और कॉटन में थोड़ा सा चमक लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. इसमें क्या है, इम्प्रूव लस्टर, कपड़े की चमक को बढ़ा देता है. इंक्रीज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब डाइज, डाइज एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी बढ़ जाती है. इम्प्रूव रिएक्शन विद अ वैरायटी ऑफ केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स जो यूज किए जाने वाले हैं उनकी उनके प्रति रिएक्शन जो है उसको इम्प्रूव कर देता है. इम्प्रूव स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म, स्टेबिलिटी स्टेबल रहते हैं, परिवर्तित नहीं है. स्ट्रेंथ, और जो कई बार रेशा बढ़ जाता है
तो वो एलोंगेशन को ठीक रखता है, उसको बहुत एक्सेसिव होने नहीं देता, कपड़े की जो स्मूथनेस है और कपड़े की जो क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाती है शेप्स ड्यूरिंग डिफरेंट डिफरेंट फिनिशेस, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, करती है फिनिशेस। उसके बाद में अब आ गया आपका टेंटरिंग। टेंटरिंग इज एन एसेंशियल फाइनल रूटीन फिनिश, स्पेशली फॉर वेट फिनिश्ड फैब्रिक। द पर्पस ऑफ टेंटरिंग इज टू स्ट्रेटनिंग द फैब्रिक एज पर द डिजायर्ड डायमेंशन, ड्राइंग द फैब्रिक। देखिए टेंटरिंग जो है ये असेंशियल है, लूम पर से जब कपड़ा आता है तो वो पूरे कपड़े का, पूरे थान में पूरा जो बना होगा उसमें एक जैसी चौड़ाई नहीं होती है, वो टेढ़ा हो जाता है, उसके जो एंगल्स हैं वाप और वेफ्ट के, वो जो वीव के समय जो यान के एंगल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे कपड़े पे कटिंग प्रिंटिंग कुछ भी आप करेंगे तो वो कपड़े का जो ग्रेन ही ठीक नहीं रहेगा। तो इसको कपड़ा लूम पे बुनने के आने के बाद में जो नेसेसरी फिनिशिंग दी गई है, लाइक जो आपका जिसमें कि उसका डिसाइजिंग कर दिया गया है या फिर कैलेंडरिंग आपका मर्सराइजिंग कर दिया गया है, उसके अलावा टेंटरिंग भी जरूरी है ताकि टेंटरिंग आपका जो कपड़ा पूरे विड्थ में है वो एक जैसा रहे। अगर आपका एक कपड़ा पूरे थान के अंदर 36 इंच का है तो फिर पूरी लंबाई के अंदर यूनिफॉर्मिटी रहे, इसके लिए टेंटरिंग दी जाती है। दूसरे साथ टेंटरिंग के साथ साथ ही कपड़े की ड्राइंग भी कर दी जाती है। कपड़े में किसी भी तरीके का अगर नमी का कोई अंश रह गया है तो उसको क्या कर देंगे, सुखा देंगे, ताकि कपड़ा आगे जाने जाते समय एक तो नमी नहीं रहेगी तो उसमें किसी प्रकार की जो बेड स्मेल आती है वैसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और दूसरी बात वो डिफरेंट डिफरेंट फिनिशेस के लिए वो रेडी भी रहेगा। द मेन पर्पस ऑफ टेंटरिंग इज ड्राइंग एंड मेकिंग द फैब्रिक इवन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। द टेंटर फ्रेम्स कंसिस्ट ऑफ टू एंडलेस चेन्स हैविंग एन एडजस्टेबल डिस्टेंस विद इन देम। द फैब्रिक रन्स थ्रू दिस फ्रेम एंड इज कैरिड इनटू द हीटेड हाउस housing where a blast of hot air removes any moisture present in the fabric। एक तो इसमें क्या है, कपड़ा पूरी लंबाई में एक चौड़ाई का रहेगा। दूसरी बात क्या है, जो भी मॉइस्चर है वो हॉट एयर से सारा मॉइस्चर कपड़े का वो खत्म हो जाएगा। आगे देखें, इसमें देखें, ये जैसे कपड़ा आया लूम पे से और इस तरीके से ये टेंटरिंग मशीन पे चढ़ाया जाता है, ये टेंटरिंग मशीन पे चढ़ा दिया गया है। अब आगे क्या होगा, सबसे पहला रोलर तो क्या करेगा, इसको जो रोल फॉर्म में आ गया है आपका उसको पहले तो सीधा करता है रोलर। तो ये देखिए नीचे यहाँ से जैसे जा रहा है ये दूसरे रोलर के थ्रू, तो यहाँ तो कपड़ा है, सीधा हो रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ सीधा होके गुजरा, इस जगह पे देखिए कपड़ा बिल्कुल सीधा हो गया, और सीधा होके नीचे वाले रोलर से फिर ये आगे टेंटरिंग के लिए तैयार हो रहा है। टेंटरिंग के लिए दोनों तरफ हुक लगे होते हैं या क्लिप्स होती हैं जो कपड़े के दोनों सेल्वेज है, दोनों जो किनारी है उनको पकड़ के रखती हैं। तो वो आगे आप देखें, इसमें ये जो सारा आपको ये बटन्स वगैरह दिए गए हैं, इसमें कितना टेम्परेचर है, कितना स्पीड है, वो सारे यहीं से रेगुलेट किए जाते हैं। ये इस तरीके का कपड़ा सीधा हुआ, आगे चल रहा है आप, और ये देखिए ये हुक है साइड में, और साथ ही साथ इसमें हीट और टेम्परेचर दिया जा रहा है, और ये दोनों साइड के हुक ने कपड़े को सीधा करके रखा है यहाँ पे ताकि एक जैसी लंप उसका हो जाए। और नेक्स्ट आप जब देखेंगे तो ये सीधा होते हुए कपड़ा बिल्कुल एक जैसी चौड़ाई का होके अगेन ड्राई हो रहा है, किसी तरीके का कोई मॉइस्चर अगर इसमें रह गया है तो सूखता हुआ आगे आ रहा है, और सूखता हुआ ये देखिए फिर अगेन ये रोलर्स जो हैं ये हीटेड हैं दोनों रोलर्स, और वहां से ये रोलर से नीचे आया है कपड़ा वापस, और ये कपड़ा आपका इस तरीके से टेंटरिंग होके कंप्लीट सूख भी गया, और कपड़े की जो चौड़ाई है वो सब जगह से वो एक जैसी भी हो गई है। आगे बढ़ते हैं, कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग ऑफ टेक्सटाइल इज अ फिनिशिंग प्रोसेस यूज्ड टू स्मूथ कोट और थिनर मटेरियल विद टेक्सटाइल फैब्रिक इज पास बिटवीन कैलेंडर रोलर्स एट हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स। कैलेंडरिंग इज यूज्ड ऑन फैब्रिक सच एज मोयर कैम्ब्रिक और सम टाइम्स ऑफ सैटिन पर यह यूज की जाती है। या आप कह सकते हैं लार्ज स्केल पे आयरनिंग करने का एक तरीका है जिससे कपड़े पे जो रोलर्स के बीच में से गुजारा जाता है जो गर्म होते हैं, और इससे कपड़े में हल्की सी लस्टर आ जाती है। कैलेंडर इज ए हाई स्पीड आयरनिंग प्रोसेस दैट प्राइमरीली इम्पार्ट्स लस्टर एंड इज यूजली द फाइनल ट्रीटमेंट फॉर द फैब्रिक्स इन द फिनिशिंग सीक्वेंस। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलेंडरिंग इज टू एक्सपोज द क्लोथ टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर हीट एंड प्रेशर until the fabric acquires a smooth and light reflecting surface and gets a good luster।
The calendaring effect on the fabric is usually temporary and disappears after first washing. ये जो calendaring process है ये ज्यादातर temporary होता है और कपड़े के ऊपर washing के बाद में ये जो finishing की जाती है ये खत्म हो जाती है. ये कैलेंडरिंग मशीन है, सेम ये रोलर है, एक के ऊपर आप इसको लोड करेंगे, ये हीटेड है, इधर से हीटेड होते हुए जब इधर दूसरी तरफ आया और ये दूसरी तरफ रेडी होके लपेटता जाता है और उसके बाद इसको अनलोड करके फिर आप दूसरा कपड़ा इसमें चढ़ा सकते हैं. कार्बोनाइजिंग, ये वुलन फैब्रिक्स पे दी जाती है. इन अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री समटाइम्स स्कॉर्ड wool contains vegetable impurities that cannot be completely removed through mechanical operations. Mechanical operations के through जो vegetable impurities नहीं निकल पाती है उसके लिए ये process दिया जाता है. Sulfuric acid is the chemical substance used for destroying these vegetable particles and the process is called carbonizing. इसमें sulfuric acid chemical का substance use किया जाता है ताकि जो भी vegetable particles रह गए हैं तो वो इसमें हट जाए. ट्रैबिंग इज अ प्री सेटिंग प्रोसेस यूज टू इम्पार्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ परमानेंट सेट इन वूल फैब्रिक. द वूल फैब्रिक इज फ्लैटन एंड मेंटेन अंडर टेंशन एंड द इमर्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर 5 to 10 minutes. उसमें बॉइलिंग वाटर में भिगोया जाता है और तुरंत उसको ठंडे पानी में भी डालें, मतलब थोड़ा देर गर्म पानी में रखेंगे, थोड़ी देर ठंडे पानी में रखेंगे तो जो श्रिंकेज होने का प्रॉब्लम होता है किसी भी फैब्रिक में वो नहीं आएगा. इसको वुलन फैब्रिक के लिए भी यूज किया जाता है और साथ ही साथ इसको दूसरे जो सेलुलोज फाइबर्स है उसके लिए भी यूज किया जाता है. डीलस्टरिंग, डीलस्टरिंग इज डन टू मैनमेड फाइबर्स टू रिड्यूस देयर अपीयरेंस एंड हैंड. केमिकल सच एज टाइटेनियम डाइऑक्साइड आर एडेड इन द स्पिनिंग सॉल्यूशन बिफोर एक्सट्रूशन. ये डीलस्टरिंग क्या है, जितने भी आपके सिंथेटिक फाइबर है उसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव शाइनिंग होती है, लस्टर बहुत ज्यादा होती है, तो इसका जो सॉल्यूशन बनाया जाता है जिस समय रेशे बनाए जा रहे हैं स्पिनरेट से जब रेशे बनाने के लिए घोल को डाला जा रहा है उससे पहले ही केमिकल जो है ये जो आपको बताया है टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये उसमें मिला दिया जाता है ताकि जो कपड़ा बनने वाला है, जो रेशे से जो कपड़ा बनने वाला है उसका जो लस्टर है वो कंट्रोल किया जा सके. तो ये जो सारी आज हमने पढ़ी है ये मैं एक बार आपको दोबारा बता दूं. स्लैशिंग, डिसाइजिंग, सिंजिंग, बायोपॉलिशिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग, टेंटरिंग एंड ड्राइंग, कैलेंडरिंग, कार्बोनाइजिंग, डिकेटाइजिंग, डीलस्टरिंग, ये सारी हमने प्रिपरेटरी फिनिशेस के अंतर्गत पढ़ी है. अब हम इसके बाद में नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं बाकी की फिनिशेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं. सेकंड वाली सेकंड और थर्ड जो अभी आपकी दो और रह गई है ना, एस्थेटिक फिनिशेस और फंक्शनल फिनिशेस. तो नेक्स्ट सेशन में हम सारी एस्थेटिक फिनिशेस ही कंप्लीट करेंगे. तो उसमें सबसे पहले में कौन सा है कि इम्प्रूव लस्टर, जो कि चमक है लस्टर है उसको अच्छा और अच्छा कर देती है, जिसके अंदर आप कौन कौन सी है, ग्लेजिंग है, सीरिंग है, मॉयरिंग है, श्रनाइजिंग है, इम्प्रूव हैंड, इमर्जिंग, एब्रेसिव वॉशेस, केमिकल वॉशेस, एंजाइम वॉशेस, क्रीपिंग, सिल्क बॉइलिंग, कास्टिक ट्रीटमेंट, हैंड बिल्डर, उसके अलावा इम्प्रूव टेक्सचर, उसकी जो सतह है उसको चेंज, उसको अच्छा कर देना. तो उसमें शेयरिंग, ब्रशिंग, एम्बोजिंग, प्लीटिंग, पकरिंग, फुलिंग, बिटलिंग, फ्लॉकिंग और नेपिंग, और उसका जो ड्रेप है कपड़े का वो अच्छा करने के लिए लाइक पशमेंटाइजेशन, बर्नट आउट, साइजिंग एंड वेटनिंग. ये एस्थेटिक फिनिशेस जो भी हैं हम नेक्स्ट सेशन में वो पढ़ेंगे. आई होप आप लोगों को आज जो मैंने पढ़ाया है वो फिनिशेस के बारे में समझ में आया होगा. तो किसी की कोई भी क्वेरीज है किसी भी तरीके की जो आपको अभी लग रहा है कि अभी आप नहीं पूछ पा रहे हैं, या जब आप इसके लिए असाइनमेंट्स जब दिए जाएंगे तब आपके माइंड में आ रहा है कि ये पॉइंट रह गया था, तो आप इसमें मुझे आप मेल करके पूछ लीजिएगा. व्हाट्सएप नंबर मैंने दिए हुए हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे पूछ लीजिएगा. और लास्ट सेशन में कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि मैम आप
इनकी पीपीटीज भेज दीजिएगा, तो कल थोड़ा सा लैक ऑफ टाइम की वजह से मैं आपको नहीं भेज पाई थी, बेसिकली इलाहाबाद और आई थिंक इंदौर के बच्चों ने कहा था, तो मैं आपको पूरी कोशिश होगी क्योंकि आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तो मैं आज आपको फॉर श्योर उनकी पीपीटी सेंड कर दूंगी। सो असाइनमेंट आज हम कोई नहीं दे रहे हैं, असाइनमेंट इसका मैं कंप्लीट हो जाए, इसके जो तीनों हमें फिनिशेस बतानी है उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगी। रॉबी सर जी मैम, आप सुन पा रहे हैं? जी मैम। सेशन क्या एंड करें अभी? बिल्कुल कर सकते हैं मैम, यू आर डन। कोई डाउट्स और कुछ, एनीथिंग यू वांट टू टेक? हेलो जी मैम, कर सकते हैं आप, ग्रीन सिग्नल दीजिए तो कर सकते हैं। कहीं कोई ट्रेनी है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है, कुछ ने हैंड रेज किया है? आप जिसने भी हैंड रेज किया मैम, उसको अनम्यूट करके आप क्वेश्चंस, उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एक्चुअली देखती हूँ। चैट में लिख दीजिए प्लीज, कोई क्वेश्चन है चैट में लिख दीजिए। मैं चैट में देख पा रही हूँ अभी फिलहाल का कहीं कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। ओके, व्हेन इज नेक्स्ट क्लास, वो बता दिया जाएगा। आई गेस कोई डाउट नहीं है मैम। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें बच्चों, नेक्स्ट क्लास के बारे में आपको बता दिया जाएगा। और ईमेल मैंने जब स्लाइड आपको स्टार्ट में, आप जिन्होंने अटेंड नहीं किया है उनके लिए मैं दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है? मैंने स्टार्टिंग जो स्लाइड थी उसमें था मेरा ईमेल नंबर, और बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेरी के लिए मेल करते हैं बट उसमें आप ना कुछ लिखते ही नहीं हो, वो खाली मेल आ जाता है मेरे पास में, तो मुझे समझ में नहीं आता आप एक्चुअली कहना क्या चाहते हो, पूछना क्या चाहते हो, ठीक है? और मैंने इसी वजह से अपने नंबर, व्हाट्सएप नंबर सबको दिए हैं, आप व्हाट्सएप पे जो भी क्वेरीज मुझे पूछेंगे, आपकी क्वेरीज बिल्कुल मैं उसको कंप्लीट करूंगी, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्सटाइल फाइबर्स के, और क्वेश्चंस इसमें से बहुत आते हैं एग्जाम में, है ना? और बात एग्जाम के क्वेश्चंस की नहीं है, आपको इंडस्ट्री में जाके काम करना है, और आप काम करेंगे या तो आप एज अ डिजाइनर काम करेंगे, या मर्चेंडाइजर काम करेंगे, या फैशन कोऑर्डिनेटर काम करेंगे, या आप फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, या आप क्वालिटी में काम करेंगे, आपको डेली हजारों बार इन फिनिशेस के प्रोसेस के नाम के थ्रू और इनके रिलेटेड कौन से वॉशकेयर सिंबल्स यूज किए जाने हैं और क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए जाने हैं, वो आपकी टीम के साथ आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई डाउट है अभी नहीं पूछ पा रहे हैं, आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगी। थैंक यू बच्चों, बाय। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सो कहां से?